ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 16। टॉपिक है निराकार और फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। देह में रहते निराकार स्थिति है लाइट माइट हाउस की स्थिर स्थिति, और फरिश्ता स्वरूप है लाइट माइट हाउस के साथ साथ सर्च लाइट का भी काम करता है। फरिश्ता की चल स्थिति है क्योंकि फरिश्ता सदा विश्व कल्याण के कार्य अर्थ लाइट माइट फैलाते हुए उड़ता रहता है, तब स्थिर होकर नहीं रहता है। उसे सर्व आत्माओं को देने का संकल्प रहता है। निराकार स्थिति में स्थित होने से जो लाइट माइट फैलाती है वह सूर्य के समान होती है। उससे हर आत्मा अपने पुरुषार्थ पार्ट और स्थिति के अनुसार लाइट माइट प्राप्त करती है। उसको अनुभूति होती है। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में सर्च लाइट का भी अनुभव होता है। निराकार स्थिति बीज रूप निरसंकल्प शांत और शक्ति संपन्न स्थिति है, परंतु फरिश्ता स्थिति निर्विकल्प शांति और शक्ति से संपन्न परमानंदमय स्थिति है। निराकार रूप की और फरिश्ता रूप की मूल स्थिति और साकार देह में रहते उस स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। परम धाम में आत्मा का निराकार स्वरूप साकार देह में रहते निराकार स्थिति के गुण धर्म और अनुभव। उसके गुण धर्म प्रकाशमय बिंदु रूप शांत और शक्ति स्वरूप, परंतु निरसंकल्प शांति और शक्ति संपन्न, परंतु शांति और शक्ति निरसंकल्प अनुभव रहित निष्क्रिय स्थिति प्लस माइनस की सूक्ष्म अनुभूति। क्योंकि आत्मा देह में इसलिए सूक्ष्म में संकल्प रहता ही है, देह से न्यारी लाइट माइट स्वरूप की अनुभूति से रहित एक रस अर्थात प्रभाव रहित स्थिति। लाइट माइट का वातावरण पर प्रभाव और उसका वातावरण में प्रवाह, परमात्मा के साथ की भी अनुभूति नहीं, समान और परमात्मा के समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति, संपन्न संपूर्ण स्थिति शांति और शक्ति की अनुभूति। निराकारी दुनिया में निराकारी स्थिति में अभी साकार देह में रहते निराकारी स्थिति में प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस होता है क्योंकि उसका आत्माओं और वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म वतन का फरिश्ता स्वरूप साकार देह में रहते फरिश्ता स्वरूप की स्थिति उसके गुणधर्म और अनुभव। प्रकाशमय काया धरती से ऊपर उड़ती कला में आनंदमय स्थिति देह और देह की दुनिया के लाइट माइट हाउस स्वरूप विश्व कल्याण का आकर्षण से मुक्त उपराम विश्व कल्याण का संकल्प। संकल्प और कर्तव्य निर्बंधन संपन्न और संपूर्ण निर्बंधन संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव। इच्छा मात्रम अविद्या मुदित और आनंदमय स्थिति रहम भाव राग द्वेष भय चिंता दुख
अशांति, इच्छा, आकांक्षा, राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, इच्छा और आकांक्षा से मुक्त निराधार ब्रह्मा बाग के समान संपन्न और से मुक्त निराधार ब्रह्मा बाग के समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्थिति आंतरिक खुशी की अनुभूति, निर्विकल्प स्थिति, फरिश्ता का संकल्प सदा विश्व कल्याण का ही रहता, साकार देह में रहते फरिश्ता स्थिति में प्लस होता है, इसलिए उसमें प्लस होता है, माइनस नहीं है, परंतु साकार देह में है ये स्थिति सदा नहीं रहती, इसलिए जब यह स्थिति नहीं है तो माइनस भी होता है। परमात्मा से भी लेने की इच्छा नहीं, सदा संपन्न अर्थात परमात्मा से भी कुछ लेने की इच्छा नहीं। ब्राह्मण बनने के बाद भले हम निराकारी स्वरूप के अभ्यास में हैं या फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास में हैं, परंतु वह भी ब्राह्मणपन की ही स्थिति है। देह में रहते ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों और अनुभव, ज्ञान, गुण, शक्तियों की परमात्मा से प्राप्ति की अनुभूति और अन्य आत्माओं प्रति देने की स्थिति, परमात्मा छत्र छाया की अनुभूति, आत्मा और परमात्मा को याद करने की स्थिति, ब्राह्मणपन में परमात्मा और अव्यक्त बाप दादा से शक्ति आदि लेने की सूक्ष्म इच्छा आकांक्षा रहती है। सूक्ष्म वतन भी स्पेस है, वहाँ आत्मा सूक्ष्म शरीर से साथ स्वतः उड़ती रहती है या चलती रहती है, अर्थात फरिश्ता स्वरूप कब स्थिर नहीं रहता। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में भी प्लस होता है। जब तक ये ब्राह्मण जीवन है तब तक निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति में स्थित होते भी सूक्ष्म में बाबा की याद रहती ही है, उसकी अनुभूति होती है, परंतु निराकारी दुनिया में और सूक्ष्म वतन में साथ रहते भी अनुभूति की बात नहीं रहती है, अर्थात स्वाभाविक साथ रहते हैं। प्रश्न, निराकार और फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास का हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से क्या संबंध है? इस अभ्यास से हम अपने भूतकाल में किए गए पुरुषार्थ को समझ सकते हैं और वर्तमान में क्या पुरुषार्थ करना है उसकी दिशा, दशा और गति को निश्चित कर सकते हैं। निराकार स्थिति में स्थित होने के अभ्यास के लिए बाबा ने जो कहा है इसकी वास्तविकता पर विचार करें और इसका अनुभव करें तो ये वर्तमान में परम शांति, परम शक्ति को देने वाली स्थिति है और परमानंद को अनुभव कराने वाली है, और यही अभ्यास भविष्य में आने वाली परिस्थिति का सामना करने और उनको सहन कर परमानंद में रहने का साधन बनेगा। इस अभ्यास के आधार से ही हम वर्तमान और भविष्य नई दुनिया में स्थूल प्राप्तियां करेंगे। निराकारी स्थिति का सफल अभ्यास करने वाला ही फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सकता है। इस संबंध में बाबा ने तीन शब्द भी याद दिलाए हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। प्रश्न, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप के सफल अभ्यास के पहले किस अभ्यास को करे तो दूसरे में सुविधा हो? उत्तर, पहले
निराकारी स्थिति में स्थित होने के अभ्यास में सफल होंगे, तभी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास कर सकेंगे। इसलिए हठ योग में पहले निर्संकल्प समाधि की सफलता बताई है, उसके बाद ही निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। वैसे भी पहले निराकारी दुनिया में जाना है, फिर देवता बनना है, जहाँ विकल्प का भी ज्ञान नहीं होता है और स्वाभाविक शुद्ध संकल्प होता है। ब्रह्मा बाबा ने भी आदि में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, आत्मा को देह से अलग देखने और अनुभव करने का, उस स्थिति में स्थित रहने का सफलतापूर्वक अभ्यास किया, जिस अभ्यास से ही वे साकार में रहते भी फरिश्ता स्वरूप में रहे, जिसको उनके संपर्क में आने वाले सभी ने अनुभव किया। वे ही पहले मानव हैं जो साकार से अव्यक्त फरिश्ता बने। निराकारी अभ्यास सफल होगा तभी फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास सफल होगा। इसलिए साकार बाबा ने अंतिम शिक्षा जो दी, उसमें निराकारी शब्द पहले कहा है, अर्थात बाबा ने जो साकार में अंतिम महावाक्य उच्चारे, उसमें निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा है। प्रश्न: निराकार और फरिश्ता स्वरूप का हमारा अभ्यास सफल है या सफल होगा, उसका दर्पण अर्थात कसौटी क्या है? उत्तर: जो आत्मा इन दोनों स्थितियों के सफल अभ्यास में होगी या जिसका ये अभ्यास सफलतापूर्वक चलता होगा, उसको तन मन धन जन संबंध संपर्क सब में संतुष्टता होगी। वह स्वयं भी स्वयं से सदा संतुष्ट होगी और दूसरों से भी सदा संतुष्ट होगी, दूसरे भी उससे संतुष्ट होंगे और उसकी संतुष्ट स्थिति से प्रेरणा लेंगे। संतुष्टता का आधार संपूर्णता अर्थात सर्व प्राप्तियों में संपन्नता है। निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति सर्व प्राप्तियों से भरपूर संपूर्ण और संपन्न स्थिति है। इस स्थिति के अभ्यास वाली आत्मा अपने जीवन में सदा संतुष्टता का अनुभव करेगी, जिससे वह सदा हर्षित रहेगी, वह स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी बांटती रहेगी। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। अगर स्वभाव संस्कार में भी हल्कापन नहीं तो फरिश्ता नहीं कहेंगे। जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी है वह सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 दिसंबर 1994। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आए, संदेश दिया और उड़ा, तो वे फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना? फलक से कहो हम ही हैं और हम ही रहेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 दिसंबर 1994। फरिश्तेपन की दो मुख्य क्वालिफिकेशन है, एक लाइट और दूसरी माइट, दोनों जरूरी है। लाइट और माइट रूप बनने के लिए एक एक अलग अलग गुण बताओ।
एक है मनन शक्ति और दूसरी है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 जून 1971। जितना जितना देह के भान के तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्म करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे। वह इस अभ्यास से अनुभव होगा स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 जून 1971। प्रश्न है, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास सफलतापूर्वक हो रहा है? यदि नहीं तो उसका कारण क्या है? उत्तर, आत्मा निराकार है, इसलिए जब उसका मूल स्वरूप ही निराकार है तो उस स्थिति में स्थित होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और जब आत्मा इस देह में प्रवेश करती है तब से ही उसके साथ सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है, इसलिए उसमें स्थित होना भी कठिन नहीं होना चाहिए। और सूक्ष्म शरीर का ही शुद्ध पवित्र रूप फरिश्ता है। वास्तविकता को देखें तो खान पान और संग ही इस अभ्यास में मुख्य बाधा है। योग की सफलता के लिए खान पान अधिक हो और न बिल्कुल कम हो, अर्थात भोजन शुद्ध और संतुलित हो, ऐसे ही स्थूल और सूक्ष्म संग भी अच्छा हो, अर्थात बुद्धि में सदा ज्ञान का चिंतन रहे और स्थूल संग भी अच्छा रहे, तो ये अभ्यास निश्चित ही सहज होगा। जब तक आत्मा में राग द्वेष, भय चिंता, ईर्ष्या घृणा, इच्छा आकांक्षा, अहंकारहीनता की भावना है, तब तक निराकारी स्थिति और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का सफल अभ्यास, अर्थात हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि इनके कारण हमारी बुद्धि में किसी न किसी व्यक्ति की याद आती ही रहेगी। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु की याद बुद्धि में होगी तो निराकारी स्थिति या अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति कैसे हो सकती है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। विचार करना है कि मैं आत्मा बहुत छोटी बिंदी हूँ, हमारा बाबा भी बहुत छोटा बिंदी है, ऐसे याद रहता है। बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2010। इस सत्य को समझने वाला ही निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सकेगा। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, इसमें फोटो आदि की कोई बात नहीं है। तुमको तो अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देहाभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बने, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए उच्च पद पाएंगे। साकार मुरली रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2010। सेकेंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो।
अपनी परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 नवंबर 1994। आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहता है, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक सेकंड में मन बुद्धि को परम धाम में टिका सकते हो, अभी अपने फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूँ, टिक जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 फरवरी 2010। प्रश्न है, परम धाम में निराकार स्थिति, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति और मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति की अनुभूति कैसे होगी, उसके गुण धर्म क्या होंगे? उत्तर, निराकारी परम धाम की स्थिति अर्थात निर्संकल्प स्थिति, जहाँ मन बुद्धि सहित देह के सब धर्म और क्रियाएं बंद हो जाती है। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति अर्थात डबल लाइट स्वरूप में बाप दादा के साथ एक ही विश्व कल्याण के संकल्प में स्थित, मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति अर्थात परमात्मा का हाथ हमारे ऊपर है और उसका साथ है, ज्ञान गुण शक्तियों सहित सर्व प्राप्तियों संपन्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति और विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर। प्रश्न, बाबा ने यह जो ड्रिल बताई और पहले भी इसके संबंध में अपने 5 स्वरूपों की ड्रिल बताई, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल बताई, इन सब का सफलतापूर्वक अभ्यास कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है? जिसको 3 बिंदियों अर्थात आत्मा परमात्मा और ड्रामा के गुण धर्मों का यथार्थ रूप में ज्ञान होगा, उसकी सफल अनुभूति होगी, उसकी धारणा होगी और उस पर पूरा निश्चय और विश्वास होगा, जिससे वह भूतकाल की चिंतन और भविष्य की चिंता से मुक्त होगा। जो ऐसा चिंतन और चिंता से मुक्त होगा, वही इसका सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकेगा। इसके लिए ही परमात्मा ने ये सारा ज्ञान दिया है। अज्ञानतावश अर्थात यथार्थ सत्य की धारणा न होने के कारण भूतकाल का चिंतन और भविष्य की चिंता के कारण चलने वाले व्यर्थ संकल्प ही इस अभ्यास में मुख्य बाधा है। चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग जरूर हो। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी समय बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अगर एक के साथ सर्वशक्ति सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। अभी सिर्फ अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या जहां बुद्धि जाए, अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते सर्व रास्ते ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। एक ही रास्ता एक ही रिश्ता है,
तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है, वहाँ की भाषा मूवी चलती है, सूक्ष्म आवाज होता है, वह है मूवी, फिर है साइलेंस, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है, वहाँ है साइलेंस, सूक्ष्म वतन में है मूवी और यहाँ है टॉकी। इन तीनों लोगों को यथार्थ रीति याद करने वाले कोई विरले होंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 मार्च 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और अचानक एवं एवर रेडी का पाठ। इस विश्व नाटक में प्रायः सभी घटनाएं अचानक होती है और ये अचानक होना ही इस विश्व नाटक को रोचक बनाता है। इस विश्व नाटक का यथार्थ रीति आनंद ले सके उसके लिए ही बाबा ने हमको अचानक एवर रेडी बहुत काल का पाठ पढ़ाया है, जो आत्मा यथार्थ रीति पुरुषार्थ करके इस पाठ को पक्का करती है वह इस विश्व नाटक का यथार्थ रीति आनंद ले सकती है। बाबा ने अनेक बार कहा है कि आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है, परमात्मा परमानंदमय है और ये विश्व नाटक परमानंद और परम सुखमय है। जो आत्मा यथार्थ रीति पुरुषार्थ करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के साथ रहकर इस विश्व नाटक को साक्षी होकर देखती है वह इस विश्व नाटक के परमानंद को अनुभव करती है। ये परमानंद ही संगम युग की प्रालब्ध है, अर्थात परमात्मा वर्षा है। जो आत्माएं विनाश के आधार पर जी रही हैं या विनाश की डेट गिरती कर रही हैं, वे इस परमात्मा वर्षे को अर्थात इस विश्व नाटक के परम सुख से वंचित है। इसलिए यथार्थ पुरुषार्थ कर इस प्रालब्ध को अनुभव करना और कराना हर ब्राह्मण आत्मा का परम कर्तव्य है। विश्व के विनाश की डेट बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल कब समाप्त होना है वह मालूम है। अचानक कुछ भी हो सकता है। विश्व की डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। कब नहीं कहो, हब कल कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको एवर रेडी रहना ही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 2010। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद का वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपने दिल में यह चेक किया कि हम एवर रेडी है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। अशरीरी बनने के अभ्यास से अचानक अशरीरी बनकर उड़ गए। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 2010। अचानक अशरीरी बनने के अभ्यास से अचानक अशरीरी बनकर उड़ गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे उन्होंने अनुभव किया कि कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते थे। यह जो कर्म और योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति मर्ज नहीं होती कि मैं आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी
2010। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक एवरवेरी और बहुत समय तीनों शब्द साथ साथ याद रखो। इसलिए बाप दादा की आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अविद्यमान की डेट है 18th January 2010। योग बल से पाप भस्म होंगे और पुण्यात्मा बन जाएंगे। पहले पहले यह मेहनत करनी है। चार्ट में दोनों बातें लिखना चाहिए कि सर्विस कितनी की, बाप को कितना याद किया। पुरुषार्थ ऐसा करना हो जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर पुण्यात्मा बन जाए। यह मेहनत बहुत करनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5th January 2010। ओम शांति।